ईद आ रहा है लेकिन आदमी तो बहुत मुश्किल में रहा है, घर में मकान में सब जगह में पानी है, इसलिए आदमी का तो रुपए भी नहीं आए, घर में बैठा रहता है, दुकान पहर में नहीं आने के लिए कोई ये नहीं है, मैंने उसका मौका नहीं मिला, इसलिए आदमी तो बहुत ईद में बहुत कोशिश करता है लेकिन बहुत माने मुश्किल की बात होता है, इसलिए ईद में तो खुशी है आनंद है लेकिन आनंद तो नहीं आई, इसमें बहुत दुख है और बहुत बेजार की बात है, लेकिन क्या करेगी आदमी, ऐसे ही चलता है ईद में। और पानी के लिए तो ईदगाह में भी पानी हुआ, ईदगाह में पानी है, कैसे नमाज अदा कैसे, नमाज अभी कैसे अदा करेगी, किसका घर में जाएगा, रास्ता में जाएगा, बात नहीं आई तो देखने के लिए तो देख देख करके बहुत ईदगाह में पानी है, तो सभी लोगों के मन में दुख है इस बात को लेकर, ऐसे ही है बात जो बहुत माने मुश्किल हो गया आदमी को। अभी तो ये दक्षिण साइड में तो 15-20 गांव फ्लड अफेक्टेड हुआ है, तो आदमी बहुत दिक्कत में है, तो सरकारी कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला है, तो जो हम लोग का ईद का मौसम है सभी ईदगाह मैदान में पानी हुआ है, बहुत ही दिक्कत होगा, हमारा मुस्लिम जो समाज है इसको ईद पढ़ने का बहुत ही दिक्कत होगा।